हरियाणा सरकार ने एक 307 का झूठा पर्चा दर्ज किया है जिसमें हमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। कुछ किसानों में आक्रोश भी है उस अफवाह को लेकर। ऐसे पर्चों से ना तो हम डरने वाले और ना ही हम दबने वाले। ऐसे अगर 50 पर्चे भी सरकार और दर्ज कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल। भाई साथियों अभी आज पांचवा दिन है, खनौरी बॉर्डर पे यहाँ बैठे हैं और लाखों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं। डेली यहाँ पे 15,000 से अधिक किसान हरियाणा के यहाँ पे पहुंचते हैं। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लंगर आ रहा है, दूध दही लस्सी आ रही है, तो उसके लिए सारे गांव का सबसे पहले तो धन्यवाद है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं साथियों, कल देर रात से ही मेरे पास बहुत सारे पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या भाई साहब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ किसानों में आक्रोश भी है उस अफवाह को लेकर। तो मैं सारे किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहे, अनुशासन में रहे। मेरी किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हरियाणा सरकार ने एक 307 का झूठा पर्चा दर्ज किया है जिसमें हमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। लेकिन ऐसे पर्चों से ना तो हम डरने वाले और ना ही हम दबने वाले। ऐसे अगर 50 पर्चे भी सरकार और दर्ज कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अनुशासन में और शांति के साथ ये अपना आंदोलन चला रहे हैं और शांति के साथ और अनुशासन के साथ ये आंदोलन चलेगा। किसी को कोई चिंता करने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और स्पष्ट कर दें साथियों, कल चौथे राउंड की मीटिंग केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ होगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि भाग लेंगे और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। चाहे वो एमएसपी पे कानून बनाने का मुद्दा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने का मुद्दा हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, तमाम इस तरह के 12 मुद्दों पे सरकार के साथ ठोस तरीके से बातचीत करी जाएगी। और इसके अलावा दोनों फोरम की संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की भी कल बैठक होगी और बैठक में चर्चा करी जाएगी यदि कि भाई सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो आगे का कैसे हमें एक सख्त कार्यक्रम देना है, कैसे एक मजबूत कार्यक्रम देना है। और जैसे ही वो कार्यक्रम तय किया जाएगा उसकी रूपरेखा हर किसान तक पहुंचा दी जाएगी। मेरी एक प्रार्थना है सारे साथियों से हाथ जोड़ के कि भाई कई बहुत सारे संगठन अब हमारे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन का हम स्वागत करते हैं और वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं तमाम किसान भाइयों को कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इन दोनों मोर्चों पे डटे हुए हैं ये तमाम किसान संगठन, वही अगली रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति के अनुसार पूरे देश के किसानों को चलना है। क्योंकि जब हम रणनीति के अनुसार चलेंगे, अपनी शांति और एकता के अनुसार चलेंगे, तभी हम मोर्चा फतह कर पाएंगे। जो भी दोनों फोरम आगे कार्यक्रम बनाएंगे वो सही समय पे आपके साथ सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कह दूं मैं अंत में साथियों, मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट सब डिलीट कर दिए गए हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के भी सारे अकाउंट डिलीट कर दिए गए, अन्य किसान नेताओं के भी। इसलिए आप तक सूचना पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंटरनेट भी यहाँ पे बंद है। तो जैसे ये सूचना आप तक पहुंचे, आगे सूचना जरूर पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।